नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। मुंबई में भी लागू हो सकती है ऑड इवन योजना। महाराष्ट्र सरकार इन दिनों दिल्ली में चल रही वाहनों की सम विषम योजना की जांच कर रही है और अगर यह योजना सफल हुई तो इसे मुंबई में भी लागू किया जा सकता है। वित्त मंत्री सुधीर मुंगंतीवार ने मुंबई में सम विषम योजना लागू करने की राकपा की मांग पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमें मुंबई को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सड़कों पर सम विषम योजना का कार्यान्वयन करने की जरूरत है, जैसा कि दिल्ली में किया जा रहा है। अगर योजना का सफल कार्यान्वयन होता है तो सड़कों पर प्रतिदिन चलने वाले वाहनों की संख्या 50% तक घट जाएगी। महबूबा मुफ्ती बन सकती हैं जम्मू कश्मीर की नई मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो जाने के बाद इस पद के लिए सबकी पसंद बनकर उभरी उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती को राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनाए जाने की संभावना है। पीडीपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य मुजफ्फर हुसैन बेग ने कहा कि जहां तक पीडीपी की बात है तो हम मुफ्ती साहब के गुजर जाने के बाद महबूबा को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर सर्वसम्मत हैं। बहरहाल, महबूबा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा की स्वीकृति की आवश्यकता होगी, जो राज्य सरकार में गठबंधन साझेदार है। हालांकि भाजपा की ओर से इस बात का विरोध भी नहीं किया गया है। गजेंद्र चौहान ने संभाला पद, एफटीआईआई में छात्रों का प्रदर्शन। एफटीआईआई के छात्रों के मुखर विरोध प्रदर्शनों और बेहद नाटकीय दृश्यों के बीच टीवी अभिनेता और भाजपा सदस्य गजेंद्र चौहान ने गुरुवार को इस प्रतिष्ठित संस्थान के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल लिया। वहीं पुलिस ने चौहान को राजनीतिक आधार पर नियुक्त व्यक्ति बताने वाले लगभग 40 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। एफटीआईआई प्रशासन ने कहा कि चौहान ने आधिकारिक तौर पर संस्थान का अध्यक्ष पद संभाल लिया है। फिल्म तीन की शूटिंग के दौरान घायल हुए अमिताभ बच्चन। अपनी आने वाली फिल्म तीन की शूटिंग के दौरान मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को पसलियों में चोट लग गई। हालांकि उन्होंने अपने प्रशंसकों को चिंता नहीं करने को कहा है। 73 वर्षीय अभिनेता ने बताया कि बुधवार रात उन्हें चोट लग गई और वे दर्द निवारक दवाएं ले रहे हैं। बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा है, नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मेरी पसलियों में चोट लगी है, इसमें दर्द है और जब मैं सांस लेता हूं तो दर्द होता है। मेरे डॉक्टर ने कहा है ठीक होने में 48 घंटे लगेंगे। बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान ने दी थी उत्तर कोरिया को परमाणु तकनीक? उत्तर कोरिया द्वारा उसके पहले हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण के दावे से एक महीने पहले शीर्ष अमेरिकी सांसदों और विशेषज्ञों ने पाकिस्तान के परमाणु प्रसार के इतिहास और उत्तर कोरिया जैसे देशों के परमाणु हथियार हासिल करने में सहयोग को लेकर चिंता जताई थी। अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य और आतंकवाद अप्रसार एवं व्यापार संबंधित सदन की विदेश मामलों की उपसमिति के प्रमुख टेड पो ने 8 दिसंबर 2015 को कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा था कि समझा जाता है कि एक्यू खान नेटवर्क ने दुनिया के सबसे अस्थिर देशों को संवेदनशील परमाणु तकनीकें बेची। खान पाकिस्तान की परमाणु बम परियोजना से जुड़े यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम के जनक हैं। पो ने कहा था कि खान नेटवर्क ने उत्तर कोरिया की उसके यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को कार्यशील बनाने में मदद की। खान ने उसी दौरान लीबिया को भी गोपनीय डिजाइन और परमाणु हथियारों के घटक बेचे। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।